दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। लोकसभा में अध्यक्ष में इस बार पुनः चुन लिए गए बिरला जी और ध्वनिमत से चुने गए। सबसे बड़ी बात ओम बिरला जी का ध्वनिमत से चुना जाना अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत है एक अच्छी लोकसभा के लिए। जब वो चुने गए उस समय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 70 साल के से जो काम अटके थे वो ओम बिरला जी के नेतृत्व में हुए थे पिछली लोकसभा में, और उम्मीद है कि इस बार और अच्छे ढंग से होंगे। तमाम लोगों ने बधाई भी दी। उसके अलावा आपको बता दें, इंडी गठबंधन ने अपनी जो भी मैथ लगाई थी वो टोटली उनको उनकी फेलोर हो गई, और उनको उम्मीद थी कि TMC पूरा सपोर्ट करेगी और वह भी नहीं मिला। दूसरी अकाली दल का उन्हें सपोर्ट का पूरी आशा थी, BRS की थी। BRS ने स्पष्ट रूप से अपना कह दिया कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, और उनको वो समर्थन नहीं मिल पाया जो वो सोच रहे थे कि TMC और अकाली दल व अन्य जो निर्दलीय सांसद हैं। इसके अलावा उनकी मेन ये थी, प्रभु को ये सुरेश जी को इसलिए लाए थे ताकि साउथ में TDP व अन्य साउथ के जितने भी लोग जीत करके आए हैं राजग के, वो विद्रोह कर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं। कुल मिला करके ओम बिरला जी ध्वनिमत से हुए, और आपको बता रहे हैं इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी फूटन हो गई, और इंडी गठबंधन का जो कुछ बचा खुसा किला था वो भी ताश के पत्तों के तरीके ढह गया। अब देखिए, दूसरी आज एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जिस पे लगातार चर्चा हो रही है कि देखिए मोदी जी गए, और मोदी जी का आज से नहीं शुरू से भी रहा है। जब 2014 में गए थे तो सदन पे जा कर के उन्होंने जा कर के सबसे पहले मत्था टेका था। उसके बाद जब अंदर गए तो राहुल जी से बाकायदे हाथ मिलाया था, पूछा था कि राहुल जी कैसे हैं। आज भी यही हुआ कि मोदी जी ने बाकायदे उनको से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद राहुल जी भी उनके साथ चल दिए, जबकि राहुल जी को नहीं जाना चाहिए। इसमें ये होता है जो वरिष्ठम होता है वो जाता है, कायदे से उसमें और भी वरिष्ठ लोग थे, सुरेश जी वगैरह को राहुल को लेके जाना चाहिए खुद नहीं, परंतु राहुल जी इन्हीं छोटे छोटे से लालच में आ जाते हैं कि चलिए मैं वहाँ तक छोड़ने जाऊँगा, सब जगह आऊँगा, प्रधानमंत्री के बाद मेरा नंबर होगा अध्यक्ष के, और वो चले गए जबकि उनको अपने वरिष्ठ उनको जाने देना चाहिए। इसके पहले भी तमाम उसमें हुआ कि राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी यही किया था, इंदिरा जी ने भी यही किया था कि अपने वरिष्ठ नीलम संजीव रेड्डी जी को जाने दिया था। इसके पहले भी हुआ, और नेहरू जी ने, मगर राहुल गांधी अपने चले गए, चूँकि उनका अपना एक सपना है वही प्रधानमंत्री का, वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं मगर विफल हो रहे हैं। आज भी ये चले गए। इस चीज़ को कांग्रेस के अंदर नहीं पसंद किया गया, इंडी गठबंधन ने भी नहीं पसंद। कायदे से इन्हें राजू जी को, उनको सुरेश जी को, इनको बुलाना चाहिए राहुल जी, मगर राहुल जी खुद उतावले थे, जहां मोदी जी आए तुरंत ही। ऐसे ही इन्होंने एक बार पार्लियामेंट में किया था, एकदम से राहुल जी खड़े हुए और मोदी जी के पास जा कर के अपना सर रख दिया। वो भी कांग्रेस के लोगों ने पसंद नहीं किया था, आम जनता नहीं, कि आप विपक्ष के लीडर, आप विपक्ष कर रहे थे तो आपको उस समय नहीं जाना चाहिए, सुरेश जी को जाना चाहिए, वरिष्ठ लीडर को जाना चाहिए। खैर, ये एक छोटी सी बात थी परंतु ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। अब देखिए, मोदी जी बाकायदे गए और नए लोकसभा अध्यक्ष को वहाँ जाके प्रोटेम स्पीकर के पास जाके बैठा करके, ये एक औपचारिकता होती, उसमें विपक्ष का जो लीडर पहले होता वो जाता है, परंतु राहुल जी चले गए, खैर कोई बात नहीं। और किरण रिजिजू जी उनके पीछे पीछे थे, जबकि नियमानुसार ये होना चाहिए था प्रधानमंत्री जी आगे थे, सबसे आगे अध्यक्ष को होना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद किरण रिजिजू जो उस समय संसदीय उसका देख रहे, उसके बाद राहुल जी को होना चाहिए, परंतु राहुल जी अपने ओवरटेक करके अपने तीसरे नंबर पर रहे। खैर जो भी है, वो अब लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं, और लोकसभा में अंदर से लोग बहुत खुश हैं, उनको तमाम लोगों ने बधाई दी, अखिलेश जी ने दी, सुप्रिया सूले ने दी, सब लोगों ने बधाई दी, और सब लोग आप समझ लीजिए बधाई देने के साथ उन्होंने ये भी कहा, सुप्रिया सूले ने और उन्होंने अखिलेश जी ने, कि पिछली संसद में जैसे लोकसभा सदस्य, कुछ सदस्य और राज्यसभा सदस्य निलंबित किए गए थे, कृपया इस बार न किया जाए। एक चीज़ देखी गई, जब लोकसभा अध्यक्ष इधर मोदी का प्रधानमंत्री, लगातार मोदी की विजय होने के बाद, जो परिणाम के आने के बाद, उससे विपक्ष भी ये समझ गया है कि सरकार इनकी रहेगी, स्थायी रहेगी, वही सरकार जो पहले थी वही आ गई है, तो विपक्ष में भी कई लीडर ताहिर नाम के और एक प्रकार से
अनौपचारिक रूप से सरेंडर भी कर गए हैं सरकार के आगे, कि जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष को दे रहे थे तो उनके अंदर भी एक डर था कि अनुशासन से बैठना पड़ेगा। अब देखिए, बिरला जी को बाकायदे प्रधानमंत्री खुद वहाँ तक छोड़ने गए, और छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया, उसके बाद वो भी बिरला जी ने भी उनसे बहुत, फिर उसके बाद राहुल गांधी से भी उन्होंने हाथ मिलाया, और ख़ास तौर से संसदीय के उस समय कार्य को देखने वाले रिजु जी को भी उन्होंने बाकायदे हाथ मिलाया। अब देखिए, सुरेश जी को नामांकन के लिए आज शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद गणपत सावंत, समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौड़िया और एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने प्रस्ताव रखा था कि सुरेश को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसके पहले आपको एक चीज़ बतला दें, पूरी कांग्रेस ने कहा, कल सभी दलों ने कहा कि पहला चुनाव ये निर्विरोध नहीं हो रहा, इसके पहले सारे चुनाव निर्विरोध हुए हैं और उपाध्यक्ष बनाए गए, ऐसा नहीं हुआ है निर्विरोध चुनाव, कई चुनाव निर्विरोध नहीं हुए हैं, कई चुनाव ऐसे हैं जिसमें तीन प्रमुख चुनाव हैं जो बिल्कुल निर्विरोध नहीं हुए थे, उसमें जबरदस्त लॉबिंग हुई, जबरदस्त लड़ाई हुई, संसद में खूब झगड़ा हुआ, और वो थे 1952 का सबसे पहला लोकसभा चुनाव, स्वयं कांग्रेस ने नहीं होने दिया था, अध्यक्ष मावलंकर जी के खिलाफ दूसरे कैंडिडेट थे, मगर कांग्रेस जी ने मावलंकर जी को खड़ा कर दिया, जबकि सर्वसम्मत दूसरे के लिए हो गई थी। तो जब कांग्रेस ने खुद अपने उसमें 1967, 1976 और 1952 में खुद नहीं होने दिया, तो दूसरे पे उम्मीद कैसे कर लें। दूसरा, पूरा कांग्रेस ने प्रोपोगंडा किया कि निर्विरोध चुनाव अभी तक इतिहास में होते रहे, नहीं हुए। अब देखिए, सुरेश जी को दूध की मक्खी की तरीके इन लोगों ने फेंक दिया, सिर्फ यूज़ किया एक केरल के एक अच्छे सांसद को कि साउथ की लॉबी टूट जाएगी TDP और दलों के लोग, और उल्टा हो गया कि BRS ने जाके सपोर्ट कर दिया BJP को, और ये अकाली दल से उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया, और ये रात तक पूरी रात लगे रहे TMC के लिए, सुबह लगे रहे कि TMC आ करके नेतृत्व करे आके, मगर TMC भी अपने पीछे रही, उसने भी अपने कदम पीछे कर लिए। अब सुरेश जी का आप देखिए कि उसके बाद किसी ने ना उनसे बोला ना पूछा कोई छोड़ने के लिए कुछ भी, ये कितनी गलत बात, ये कांग्रेस की एक परंपरा हो गई, दूध के आदमी को यूज़ करो, दूध की मक्खी तरीके फेंक दो। अब देखिए, जहां कांग्रेस के लिए सिर्फ 3 सांसदों ने, जबकि और लीडरों को TMC और तमाम दलों के लीडरों को अन्य दलों को ले सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने अपने प्रमुख विश्वसनीय लीडर, और सबसे बड़ी बात है शिवसेना जिस तरह से कांग्रेस, और जिस तरह से शिवसेना को महाराष्ट्र से मुस्लिम वोट मिला है कांग्रेस का समझौता, वो लोगों के दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बाल ठाकरे जी के सपनों को बिल्कुल वो किया जा रहा है कि बाल ठाकरे जी ने कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया। अब देखिए, ओम बिरला जी के उसमें जो आज सबसे बड़ी बात देखी गई कि ओम बिरला जी के उसमें लल्लन सिंह जनता दल यू, जीतन राम मांझी हम पार्टी के, अमित शाह भाजपा के, चिराग पासवान लोजपा के, जाधव प्रसाद राव गणपत राव, HD कुमार स्वामी जनता दल के कर्नाटक वाली जनता यूनाइटेड के भी हो गए, जनता दल सेकुलर के भी हो गए, किंजरापू राम मोहन नायडू तेलुगु देशम के, इंद्र कुमार सुब्बा, अनुप्रिया पटेल अपना दल की, वीरेंद्र कुमार, SP सिंह बघेल, अनपूर्णा देवी सहित सांसद भी बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव रखा। अब देखिए कितने दलों ने, आप देखिए यही देखिए कि उनके पास इंडी गठबंधन में बहुत ज़्यादा दल हैं, मगर सभी लोगों ने साथ नहीं दिया, और BJP के प्रस्ताव में ऐसा नहीं कि सिर्फ BJP के ही आप देखिए BJP का अध्यक्ष चुना गया, BJP ने अपने अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव दिया, वहीं पहले से ही तेलुगु देशम ने कह दिया था और पहले से ही जनता दल ने कह दिया था कि भाई अध्यक्ष जो होगा वो BJP का होगा, हमें मान्य, इसके बावजूद भी BJP ने प्रस्ताव में इन सबको आगे रखा, एक एकता दिखाई, उन्होंने एकता नहीं दिखाई। देखिए सामने है जो कुछ, अब देखिए एक कितना बड़ा झूठ कांग्रेस, निर्विरोध चुनाव, देखिए निर्विरोध का, ये देखिए सामने फोटो है उस समय की, 3 पूर्व अध्यक्ष चुनाव 1952 GB मावलंकर बनाम शंकर सादाराम मोड़े,
प्रथम आम चुनाव के बाद बुलाई गई संसद में देश में पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के पूर्व सदस्य मावलंकर को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा। जबकि आपको बताना है इसके पहले ऑलरेडी तय हो गया था दूसरे का नाम। तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा, दरभंगा सेंट्रल के सांसद एस एन दास और गुड़गांव के सांसद पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसका समर्थन किया। जबकि दूसरे का बाकायदे नाम हो गया था, उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नाम दे दिया जो उनके साथ मावलंकर जी रहते थे, और उसमें जबरदस्त बेईमानी का ये आलम रहा जो इतिहास में मशहूर था। उसमें सबसे बड़ी जो बात हुई कि इतनी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग कराई गई और ओपनली विपक्ष को वोट नहीं डालने गया। उन मावलंकर जी को 394 वोट और शांताराम मोड़े को 55 वोट, जबकि शांताराम मोड़े को इसके पहले निर्विरोध तय हो गया था कि पार्लियामेंट में, तब भी वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने मावलंकर जी को, उसमें बताते हैं इतनी बेईमानी हुई थी, लोगों को जाने नहीं दिया गया था और लोगों के वोट जबरदस्ती जोड़ लिए गए थे। ये 1952 का इतिहास है और ये कह रहे हैं निर्विरोध था। अगर निर्विरोध था तो ऐसा क्यों हुआ? अब ये देखिए 1967 में ही किया, नीलम संजीव रेड्डी को, उसके पहले आपको बता रहे TNT के विश्वनाथन जी को बाकायदे सर्वसम्मत से चुन लिया गया था, मगर कांग्रेस ने क्या किया, एकदम से नाम पेश करा दिया और ख़ास तौर से इंदिरा जी ने, और उसमें प्रोटेम स्पीकर ने जिनको नाम देना चाहिए था उनकी जगह नीलम संजीव रेड्डी का नाम दे दिया। उनको 207 वोट मिले, 278 वोट नीलम संजीव रेड्डी को मिले, जो 207 सदस्यों के वोट ये मिले जो दूसरे अध्यक्ष विश्वनाथन जी, जबकि हकीकत ये थी कि 278 वोट मिले थे दूसरे को और कांग्रेस कैंडिडेट को 207, मगर जो परिणाम घोषित किया गया वो पलट दिया गया। ये पूरे इतिहास की गणना है। 1976 में ही किया बी आर भगत बनाम जगतनाथ राव जोशी को सर्वसम्मत से दिया कांग्रेस ओ ने और सब लोगों ने किया, मगर इन्होंने क्या किया, एक नया नाम जोड़ दिया बी आर अम्बेडकर जी को। उस समय आपको बताना है जबरदस्ती की पार्लियामेंट बना रहे थे, 1975 में सत्र खत्म हो गया था, 1976 लोगों को घुसने नहीं दिया गया, लोगों को गया, सांसदों को जेल में डाल दिया गया था, सारा विपक्ष जेल में था। उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए कि 344 वोट इन्होंने दिखाए, 58 मत दिखाए विपक्ष के जोशी जी को, जो जनसंघ के जोशी जी थे, और सारे विपक्ष के ये सांसदों को ले जाके बंद कर दिया था। अब आप समझ लीजिए किस मुंह से ये कह रहे हैं कि निर्विरोध हुआ, जबकि कांग्रेस ने आज तक निर्विरोध होने नहीं दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।